नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर मुरादाबाद के बिल्सोनिया स्कूल के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल के साथ 17 फरवरी 2021 को कांट रोड पर दो अज्ञात बदमाशों ने धोखाधड़ी कर सोने की 3 अंगूठी लेकर हुए थे फरार। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुरादाबाद पब्लिक एसोसिएशन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर की कार्रवाई की मांग। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करने के लिए दिए दिशा निर्देश, कहा हर संभव होगी मदद। इधर मुरादाबाद में पीतल के सजावटी सामान बनाने के लिए पीतल को गलाने वाली भट्टियों की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ते प्रदूषण की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने कई पीतल के उत्पाद निर्यात करने वाली फैक्ट्री को सील कराने के साथ ही भारी भरकम जुर्माना लगाने के दिए आदेश। बढ़ते प्रदूषण को लेकर पुलिस भी भट्टी जलाकर पीतल गलाने वाले आर्टिजन के ऊपर कार्रवाई कर चुकी है, जिसको लेकर आर्टिजन काफी लंबे समय से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर आर्टिजन नेता सैयद गानी मियां ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन से मांग की गई। इधर मुरवाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शहर के बुद्ध बाजार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रभारी युवा संयोजक को दी गई जिम्मेदारी, जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट। इधर सरकार के आदेश के बाद मुरवाद में 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय। कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के साथ जनपद मुरवाद के सभी विद्यालय हो गए थे बंद। ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए विद्यालय कर रहे थे काम। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए शहर के स्कूल में तैयारियां हुई शुरू। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए स्कूल में दिए दिशा निर्देश। मुरवाद के दिल्ली रोड स्थित न्यूडल्स मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के लिए तैयारी हुई पूरी। बच्चों के स्वागत के लिए विद्यालय है तैयार। इधर मुरवाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। व्यापारियों की समस्या को लेकर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जा रहे हैं प्रदर्शन। व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने कहा, GST से व्यापारी को हो रही काफी समस्याएं, समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो किया जाएगा बड़ा आंदोलन। इधर रेड सोसाइटी के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर मुरादाबाद की धरती से नमन कार्यक्रम रामगंगा बिहार में स्थित RSD अकेडमी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विनोद कुमार, चेयरमैन RSD एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने की तथा संचालन धवल दीक्षित, अध्यक्ष रेड सोसाइटी ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ वीर सावरकर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। इधर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित टिमिट के BBA एवं BCOM के मैनेजमेंट विद्यार्थियों के कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कैरियर डेवलपमेंट वर्कशॉप का हुआ आयोजन। मुख्य वक्ता प्रिंसिपल प्रोफेसर विपिन जैन व असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेशन रिलेशन श्री आकाश भटनागर रहे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जॉब्स की उपलब्धताओं और उनके लिए आवश्यक तैयारी के बारे में बताया। इधर मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आज तहसील कांट का निरीक्षण कर व्यवस्था को परखा। जिलाधिकारी ने महिला हेल्प डेस्क, आय जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रत्यावालियों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने तहसील परिसर के साथ ही रजिस्ट्रेशन विंडो को देखा और आगे लगे टीन शेड को हटाकर फाइबर लगाने के दिए दिशा निर्देश। इधर आज बिलारी में अंतिम दिन निकली प्रभात फेरी। बताते चले, पिछले 52 सालों से प्रभात फेरी निकलती आ रही है। इस फेरी के पहले महंत स्वर्गीय श्री कमलेश नारायण शर्मा जी थे, अब उनकी गद्दी विनायक शर्मा जी को सौंपी गई है। फेरी माघ मास के महीने में निकाली जाती है। प्रभात फेरी राय सत्य मंदिर से प्रारंभ होकर बिलारी भ्रमण करते हुए फिर उसी जगह समाप्त होती है। प्रभात फेरी राय सत्य मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस में जय शक्ति मंदिर पर ही समाप्त हुई। इस फेरी के अगले दिन राय शक्ति मंदिर पर यज्ञ और भंडारा किया जाएगा। फेरी में विनायक शर्मा, नीलम कुमारी, सत्यम ठाकुर, राजू छवि, राज चावला, शिव हरि, जीतू शर्मा, अंकुर गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। इधर बिलारी के कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुर काशी में शासन द्वारा संचालित मुफ्त बैग वितरण योजना के अंतर्गत कल कक्षा 6, 7 व 8 के विद्यार्थियों को बैग वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था संस्थापक बाबूजी मुकुट सिंह, प्रधानाचार्य मुन्ना सिंह व प्राचार्य अशोक सिंह ने विद्यार्थियों को बैग वितरित किया। बैग पाकर शिक्षार्थियों के चेहरे खुल उठे। बैग वितरण कार्यक्रम में पुष्पेंद्र, निशा डॉली, संजीव कुमार आरती, सुजल मुस्कान, रुचि सलोनी,
आदि को बैग वितरित किया। इस सभा आशीष कुमार जाधौन, प्रियंका सिंह, सुभाषिनी परिमा, ओम प्रकाश, कोमल आदित्य, रघुवीर आदि ने सहयोग किया।